हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हो? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, जल्दी जल्दी बताएं। कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था मटेरियल कॉस्ट वेरियंस। मटेरियल कॉस्ट वेरियंस, ठीक है। हाँ जी, मटेरियल कॉस्ट वेरियंस का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? फॉर्मूला याद है क्या आपको? क्या फॉर्मूला था, कोई बता सकता है क्या फॉर्मूला था? हाँ जी, कोई बता सकता है क्या फॉर्मूला था इसका? ये फॉर्मूला था आपका टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, यही था ना फॉर्मूला? आपको ये पता होना चाहिए टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलती है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से इंटू किया जाता है, और टोटल एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकलती है, जब हम एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल प्राइस से इंटू करते हैं। ठीक है, क्लियर? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इस फॉर्मूले को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब इसी फॉर्मूले के बेस पर हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद हो गया? चलो, इसी फॉर्मूले के बेस पर हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द MCV, मटेरियल कॉस्ट वेरियंस। मटेरियल कॉस्ट वेरियंस आपको कैलकुलेट करना है, ये हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, है ना? क्लियर? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन क्या है? आपको स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन गिवन है। स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? आप मटेरियल दे रखा है, आपको मटेरियल यूज्ड फॉर 100 यूनिट्स। 100 यूनिट्स के लिए 300 kg आपको रॉ मटेरियल दे रखा है, ठीक है। और आपको टोटल कॉस्ट भी दे रखी है, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट भी गिवन है। 300 kg की जो टोटल कॉस्ट है, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है, वो 1500 रुपये दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? 1500 रुपये दे रखे हैं, रुपीज में भैया। ये किस में है? रुपीज में। क्लियर है? हाँ जी भैया। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको एक्चुअल भी गिवन है, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। एक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये है कि आपने मटेरियल परचेज किया है, मटेरियल परचेज किया है फॉर 800 यूनिट्स। 800 यूनिट्स के लिए आपने मटेरियल परचेज किया है 3000 kg। 3000 kg, ठीक है। और इसकी टोटल कॉस्ट है, टोटल एक्चुअल कॉस्ट है इसकी 18000 रुपये। 18000 रुपये, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है।
और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है एक्चुअल से रिलेटेड, कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल भी आपको गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल भी आपको गिवन है। पाँच सौ केजी, 500 केजी आपका क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है। अब आपको एमसीवी कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? एमसीवी कैलकुलेट करना है, ठीक है? आगे बात समझ में? हाँ जी, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी जल्दी बताएं मुझे। आ गया पक्का? चलो करे क्वेश्चन। वापस मैं आपको समझा देता हूं। स्टैंडर्ड जो मटेरियल यूज है वो 100 यूनिट्स पर गिवन है, 300 केजी, ठीक है? और इन 300 केजी की परचेजिंग कॉस्ट है 1500 रुपये, ठीक है? आपने एक्चुअल प्रोडक्शन 800 यूनिट्स के लिए न्यू यूनिट्स परचेज की है 3000, और उनमें से 500 यूनिट आपकी क्लोजिंग भी बच रही है, ठीक है? क्लियर है? और जो 3000 ये परचेज की थी उसकी टोटल कॉस्ट आई है 18000। ये आप नोट डाउन कर लो पहले तो, फटाफट क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी करें। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका क्या देखते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है? और सॉल्यूशन क्या होगा देखो, आपने एक्चुअल आउटपुट कितना निकाला है? एक्चुअल आउटपुट, सबसे पहले हम एक्चुअल आउटपुट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एक्चुअल आउटपुट की। आपका एक्चुअल आउटपुट है 800 यूनिट्स, ठीक है? क्लियर? मैंने आपको बताया था कि आप एक्चुअल आउटपुट के बेस पर ही स्टैंडर्ड को क्या करोगे, चेंज करोगे, ठीक है? यदि आपका उसके हिसाब से नहीं बनाया हुआ है तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे आएगी? यदि मान के चलो कि आपने जो 300 केजी आपने जो यूज लिया है उससे केवल 100 यूनिट्स बनी है, यदि आप एक्चुअल के बराबर बनाना चाहते हो, 800 यूनिट्स बनाना चाहते हो, तो आपको कितना मटेरियल यूज लेना होगा? आपको 2400 केजी मटेरियल यूज लेना होगा। इसका फॉर्मूला मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है? क्लियर है? स्टैंडर्ड प्राइस की हम बात करें तो स्टैंडर्ड प्राइस, बेटा देखो स्टैंडर्ड प्राइस की बात करें तो ये आपके 1500 रुपये एक्सपेंसेज किए थे 300 केजी परचेज करने के लिए, ठीक है? तो इसका मतलब आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो, 1500 डिवाइड बाय 300, इसका मतलब आपका स्टैंडर्ड प्राइस आ रहा है 5 रुपये पर केजी, 5 रुपये पर केजी के हिसाब से आपका स्टैंडर्ड प्राइस कैलकुलेट होके आ रहा है। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। हाँ जी, तो हमारा SQ भी कैलकुलेट हो गया और SP भी कैलकुलेट हो गया, ठीक है? अब हमें कैलकुलेट करना है तो एक्चुअल करना है, ठीक है? ये आपने नोट डाउन कर लिया भैया? नोट डाउन कर लो। हमको AP कैलकुलेट करना है, AQ और AP, ठीक है?
देखिए भैया कि आपने 800 यूनिट्स के लिए जो यूनिट परचेज की है वो की है आपने 3000 केजी, ठीक है। लेकिन AQ का मतलब होता है एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम क्या होती है, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम होती है। एक मिनट, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम होती है ये, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम, ठीक है। और ये जो 3000 यूनिट है ना वो एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम नहीं है, ये ओनली परचेज है। ये क्या दे रखा है, ओनली परचेज दे रखा है, ठीक है। एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये हमेशा एक फॉर्मूला लगता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और ये हमेशा कौन से मेथड से लगता है, फीफो मेथड से। कौन से मेथड से, फीफो मेथड से। यदि क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है। परचेज आपने 3000 केजी किया है और उसमें से 500 केजी आपका क्लोजिंग बच गया, तो इसका मतलब एक्चुअल क्वांटिटी जो आपका आया है वो आया है 2500 केजी। कितना आया है, 2500 केजी आया है। बताओ समझ में आया या नहीं आया, आ गया। ओके, एक्चुअल प्राइस की बात करें तो आपने 18000 रुपये में ये 3000 केजी परचेज किया था, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो एक पर केजी आपकी जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, 6 रुपये आ रही है। पर केजी आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 6 रुपये आपकी पर केजी के हिसाब से कॉस्ट आ रही है। तो आप फटाफट इसे नोट डाउन कीजिए, जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया, हाँ जी कर लिया आपने नोट डाउन। चलो आगे चलते हैं। हमारे पास अब सारी इंफॉर्मेशन है, एक्चुअल क्वांटिटी गिवन है 2500 केजी, एक्चुअल प्राइस गिवन है 6 रुपये पर केजी, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी गिवन है 2400 केजी और स्टैंडर्ड प्राइस है हमारे पास 5 रुपये पर केजी, ठीक है। ये चीजें हमने निकाल ली है ना। अब हमको जो निकालना है वो निकालना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, SQ into SP माइनस AQ into AP, क्लियर। तो ये आपका हो गया SQ, तो है आपका 2400 इंटू 5 माइनस हो जाएगा आपका AQ था आपका 2500 केजी इंटू 6। आगे बात समझ में, तो ये आ जाएगा आपका 2400 इंटू 5 12000 माइनस 2500 इंटू 6 15000 रुपये। और डिफरेंस कितने का आ रहा है, माइनस में आ रहा है
3000 का, यानी इसे बोलेंगे हम एडवर्स। ये हमारे लिए दुखद सूचना है, दुखद इंफॉर्मेशन है, बड़ी दुखद इंफॉर्मेशन है कि हमने एस्टिमेट तो लगाया 12000 का, एक्चुअल कॉस्ट आ रही है 15000 रुपये। तो हमारे लिए दुखद सूचना है कि 3000 रुपये का हमको लॉस हो रहा है। ठीक है, इसके वेरिएंस के हमको रीजंस पता लगाना है, एनालिसिस करना है, और फिर उसके लिए कोई इफेक्टिव या करेक्टिव इन्फॉर्म अपन को एक्शन लेने हैं। ठीक है, क्लियर है? नोट डाउन कर लिया आपने? कंप्लीट नोट डाउन कर लिया? चलो ठीक है। हाँ जी, अब हम आगे चलते हैं कि जो हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है, जो हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है, जो हम अभी तक निकालते आ रहे हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ये एक्चुअली होते हैं दो टाइप के। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं बेटा। कितने टाइप के होते हैं बेटा? दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बेटा? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? बेटा एक तो होता है इसमें और दूसरा होता है, एक मिनट मैं इसके बॉक्स बना लेता हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पर दो होते हैं हमारे। एक तो होता है आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एक तो कौन सा होता है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और दूसरा होता है मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस, ठीक है, दो होते हैं आपके। एक तो हमारा होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस और दूसरा होता है मटेरियल यूजेज वेरियंस। ठीक है, आगे बात समझ में? दोनों को नोट डाउन कर लो, दोनों को फटाफट नोट डाउन करो। तो हमने मटेरियल कॉस्ट वेरियंस को तो पढ़ लिया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलो एक बार अपन करते हैं ना। तो जो मटेरियल, इसका मतलब है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में जो डिफरेंस आया है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में जो डिफरेंस आया है उसका रीजन क्या था? या तो प्राइस रीजन था या यूजेज वेरिएंस, यूजेज रीजन था। ठीक है, या तो आपने यूजेज में इधर उधर किया है या आपके प्राइस में फ्लैक्चुएशन आया है, इसकी वजह से आपका वेरियंस आ रहा है। या तो आपने मटेरियल यूजेज में फ्लैक्चुएशन किया है या आपके प्राइस में क्या हुआ है? फ्लैक्चुएशन हुआ है। ठीक है, इसकी वजह से आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ रहा था। ठीक है, अब सबसे फर्स्ट अपन ले लेते हैं, सबसे फर्स्ट ले लेते हैं हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है, प्राइस वेरिएंस का मतलब प्राइस का डिफरेंस, प्राइस वेरिएंस का मतलब प्राइस का डिफरेंस। तो इसका फॉर्मूला इजी बन गया। देखो, प्राइस का वेरिएंस ले लो आप स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ठीक है, और इसका जो इनटू करना है एक्चुअल क्वांटिटी से करना है। किससे करना है? एक्चुअल क्वांटिटी से करना है। क्लियर? आगे बात समझ में?
क्लियर है। ये जो प्राइस वेरिएंस आएगा वो प्राइस में फ्लैक्चुएशन की वजह से आएगा, तो प्राइस में फ्लैक्चुएशन हमें देखना है, ठीक है। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, क्लियर। बताओ बच्चों समझ में आया या नहीं आया? यदि ये आंसर किस में आता है, पॉजिटिव में आता है, यदि ये आंसर किस में आता है, पॉजिटिव में आता है, तो ये हमारे लिए फेवरेबल होगा। ये हमारे लिए क्या होगा? फेवरेबल। फेवरेबल होगा, ठीक है। और यदि आंसर आता है नेगेटिव में, तो ये हमारे लिए क्या होगा? एडवर्स होगा। क्या होगा? एडवर्स होगा। इसका मतलब है हमारे लिए नुकसानदायक होगा, लॉस होगा, ठीक है। बताइए समझ में आया या नहीं आया? सबसे पहले तो आप मुझे बताइए समझ में आया या नहीं आया, जल्दी जल्दी बता दीजिए। आ गया? अच्छा, अब बात करते हैं अपन मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्यों अराइज होता है, ठीक है। आप नोट डाउन करो फटाफट इसको, तो मटेरियल प्राइस क्यों होता है, क्यों अराइज हो सकता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ये हम पढ़ेंगे इसके रीजंस, ठीक है। हाँ, नोट डाउन कर लिया? चलो, वाई अराइजेस, ठीक है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्यों अराइज होता है, तो हम लिख सकते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस में अराइज ड्यू टू, ठीक है। रीजन क्या हो सकता है? फर्स्ट रीजन को नोट डाउन कीजिए, हो सकता है चेंज इन द मार्केट प्राइस, चेंज इन द मार्केट प्राइस ऑफ मटेरियल। जो प्राइस, जो मटेरियल आप यूज ले रहे हो, उस मटेरियल की मार्केट प्राइस क्या हो गई है? चेंज हो गई है, ठीक है। ये इसका रीजन हो सकता है। या आपने क्या कर दिया, चेंज इन द क्वांटिटी कर दिया, चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल की क्वांटिटी क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अरे सर, हम यहां पर प्राइस वेरिएंस निकालने जा रहे हैं, तो मटेरियल चेंज से इसका क्या है? नहीं, अरे बेटा, मैं ये कहना चाह रहा हूं, यदि आप क्वांटिटी, मटेरियल की क्वांटिटी में चेंज करोगे, तो यहां पर देयर बाय लीडिंग टू लोअर एंड हायर क्वांटिटी डिस्काउंट। यदि आप बल्क में क्वांटिटी परचेज करोगे, यदि आप बल्क में क्वांटिटी परचेज करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? क्वांटिटी डिस्काउंट मिलेगा, और क्वांटिटी डिस्काउंट की वजह से आपकी मार्केट प्राइस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। परचेज प्राइस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आगे बात समझ में? ये इसका रीजन हो सकता है। तीसरा रीजन, चेंज इन डिलीवरी कॉस्ट, चेंज इन डिलीवरी कॉस्ट। डिलीवरी कॉस्ट में भी क्या आ सकता है? चेंज आ सकता है, ठीक है। डिलीवरी कॉस्ट में भी चेंज आने की वजह से, क्योंकि डिलीवरी चेंज का अपन एस्टिमेट सही ढंग से नहीं लगा पाते हैं, तो एक्चुअल में डिलीवरी कॉस्ट ज्यादा आ रही है, कम आ रही है, इस वजह से, है ना।
आपको पता है डिलीवरी कॉस्ट को भी, लोडिंग अनलोडिंग कॉस्ट को भी अपन मटेरियल की कॉस्ट में ही इंक्लूड करते हैं। आगे बात समझ में? हाँ जी, हो सकता है कि जो मटेरियल हम यूज लेने के लिए सोच रहे थे वो मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पाया और हमने उसके बदले में कोई सब्स्टिट्यूट मटेरियल यूज लिया है, हल्का या हाई स्टैंडर्ड मटेरियल यूज ले लिया है, यानी वो चेंज हो गया है। कहने का मतलब, परचेज ऑफ ए सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट मटेरियल ऑन द अकाउंट ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेसिफाइड मटेरियल। जो मटेरियल के लिए आपने स्पेसिफाई किया था वो मटेरियल आपको नहीं मिला, इसकी वजह से आपने कोई दूसरा लोअर वैल्यू का मटेरियल या हायर वैल्यू का मटेरियल क्या कर लिया, यूज लिया है। ठीक है, उसकी वजह से भी आपके मटेरियल प्राइस वेरिएंस में क्या आ सकता है, चेंज आ सकता है। ठीक है, क्लियर? और क्या हो सकता है, फिफ्थ, चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या आ गई, चेंज आ गया। सर, गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज आने से क्या मतलब है? इसका मतलब है बेटा कि आपका आपका चेंज इन द रेट ऑफ एक्साइज, चेंज इन द रेट ऑफ एक्साइज, एक्साइज ड्यूटी क्या हो गई, गवर्नमेंट ने बढ़ा दी। ठीक है, और परचेज टैक्स बढ़ा दिया, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है ना। तो इसकी वजह से भी आपकी प्राइस में क्या आ सकता है, चेंज आ सकता है। ठीक है, साथ के साथ आपको नोट डाउन करना है बेटा, है ना, किसी चीज का वेट नहीं करना है। क्लियर है? और रीजन हो सकता है ऑफ सीजन परचेजिंग, ऑफ सीजन परचेजिंग भी आपका क्या हो सकता है, फॉर सर्टेन सीजनल प्रोडक्ट। ऑफ सीजन परचेजिंग किया है हमने, ठीक है, तो वो भी आपका क्या हो सकता है, ऑफ सीजन परचेजिंग हमने किया है तो उससे भी आपकी प्राइस में क्या आ सकती है, चेंज आ सकते हैं। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, इसके रीजंस हो गए। ठीक है, फटाफट इन रीजंस को नोट डाउन कर लो, यदि नहीं किया है तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया? हाँ जी भैया, कर लिया ना आपने, नोट डाउन कर लिया। चलो, इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक एग्जांपल कर लेते हैं। स्टैंडर्ड आपको दे रखा है 100 यूनिट्स के लिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो है आपकी, दो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, 2 kg/यूनिट, 2 kg
पर यूनिट, ठीक है। और स्टैंडर्ड प्राइस है आपकी 4 रुपये पर केजी, 4 रुपये पर केजी है ना। और एक्चुअल की इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, एक्चुअल क्वांटिटी ये दे रखी है आपको 200 यूनिट्स के लिए, ठीक है। तो एक्चुअल क्वांटिटी दे रखी है आपको 3 केजी पर यूनिट, ठीक है। और एक्चुअल प्राइस दे रखी है आपको 3 रुपये पर केजी। आपको कैलकुलेट करना है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, कैलकुलेट करना है। फटाफट इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कर लो, इंफॉर्मेशन को जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया, चलो। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल आउटपुट आपका क्या दे रखा है। सबसे पहले आप ये देखो एक्चुअल आउटपुट क्या दे रखा है, 200 यूनिट दे रखा है। तो हमेशा स्टैंडर्ड को आपको चेंज करना होगा, एक्चुअल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो स्टैंडर्ड यहाँ पर दे रखा है आपको कि भैया आप यदि स्टैंडर्ड दे रखा है आपको कि आप 100 यूनिट बनाते हो तो पर यूनिट के हिसाब से, आप 2 केजी लगाते हो तो 100 यूनिट बनाने के लिए आप 200 केजी लगाओगे, है ना। लेकिन एक्चुअल तो हमारा 200 यूनिट बन रही है, तो यानी 100 यूनिट बनाने के लिए, सॉरी 200 यूनिट बनाने के लिए आपने 200 केजी लगा रखा है, तो 200 यूनिट बनाने के लिए आप कितना SQ लगाएंगे, ठीक है। तो ये कह दो आप, या तो न्यू SQ मान लो आप, क्या मान लो, न्यू SQ, ठीक है, न्यू SQ मान लो आप, क्लियर। हाँ जी, कितने आएंगे, 400 केजी, क्लियर। हाँ जी, एक्चुअल तो आपको पता ही है, एक्चुअल क्वांटिटी तो कि आप 200 यूनिट बना रहे हो और पर यूनिट में आपके 3 केजी लग रहे हैं, तो आपके 600 केजी का एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल क्वांटिटी लग रहा है, क्लियर है, क्लियर है। हाँ जी, हमको क्या करना है, हमको क्या निकालना है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। और मटेरियल प्राइस वेरिएंस का जो फॉर्मूला है बेटा, वो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन में, देखिएगा एक्चुअल स्टैंडर्ड प्राइस क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस है बेटा आपकी 4 रुपये पर केजी, ठीक है। और एक्चुअल प्राइस है आपकी 3 रुपये पर केजी, क्लियर है। हाँ जी, तो यहां पर हो गया आपका 4 रुपये पर केजी माइनस 3 रुपये पर केजी इंटू एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है आपकी, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी हो गई, 600, कितनी हो गई, 600, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी हो गई, 600। तो आपका क्या आ रहा है, 600 आ जाएगा, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो 1 आएगा, 1 × 600, तो कितना आ जाएगा आपका, 600 ही आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, 600। और ये 600 किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब ये हमारे लिए फेवरेबल है, ये हमारे लिए क्या है,
फेवरेबल है। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी कर लिया, चलो ठीक है। अब पढ़ते हैं हम मटेरियल यूजेज वेरिएंस। यदि आपने नोट डाउन कर लिया है तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस, अब पढ़ते हैं मटेरियल यूजेज वेरिएंस। अभी पढ़े कल वाले में पढ़े, चलो कल लेंगे इसका लेक्चर, है ना, कल ले लेंगे। मटेरियल यूजेज वेरिएंस को हम कल पढ़ेंगे, है ना, क्लियर। हाँ जी ओके बाय, गुड नाइट।